देखिए, मैं ये आपको पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा वाइट पैच बचा हुआ है, वो एक वेस्ट राजस्थान का हिस्सा है, नॉर्थन पार्ट, और पंजाब और हरियाणा का साउथर्न पार्ट है। ये वाला बाकी हिस्सा आपका थोड़ा राजस्थान का कल भी कवर हो गया था, तो यही बचा हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है ये वाला हिस्सा भी पूरा कवर हो जाए। सर, क्या मॉनसून अभी नॉर्मल चल रहा है या कहीं पर एडवांस स्टेज में? देखिए, मैं आप सैटेलाइट पिक्चर्स की तरफ देखिए, अभी आप कह सकते हैं कि मानसून काफ़ी हिस्सों में एडवांस स्टेज में ही है, एक्टिव है। और आप देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है, वो है आपका, देखिए जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, पहले जो नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव हुआ, और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी, मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें, जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है, जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ऑरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और बाकी जगह आप देखेंगे जहाँ से क्लाउड्स, अगर आप इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, जहाँ से आपका विंड जा रही है बेओ बंगाल से, उसमें मॉइस्चर है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 2-3 दिनों में, इवन 5 दिनों में ही जहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहेगी। सर, जो रेनफॉल किन किन एरिया में क्या क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ पे भी आप जो क्लाउड देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट कोस्ट, जहाँ कोंकण गोवा, कर्नाटका, कोंकण गोवा में तो कल एक्सट्रीमली हैवी रहा है, उसके बाद ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपका जहाँ पे क्या नाम है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन लाइट टू मॉडरेट बाकी हिस्सों में चल ही रहा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वगैरह में। देखिए, अगर हम उम्मीद करें, आज भी जहाँ पे मॉइस्चर आ रहा है पूरा, आप देख सकते हैं, और आज जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की उम्मीद है, लेकिन लाइट रेनफॉल आने वाले 4-5 दिनों में जहाँ कंटिन्यू ही रहेगा। सर, जो अगर ओवरऑल पूछें, अगर हम आपसे बात करें, तो ये जो पूरा जो स्थिति बनी हुई है, ये कितने कब तक रह सकती है? सर, देखिए, जब तो अभी तो लो प्रेशर, हमारा उम्मीद है कि कल 2-3 दिन लो प्रेशर और इसका एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहने की उम्मीद है, जो 2-3 दिन कंडीशन एक्टिव ही रहेगी इस रीजन में, स्पेसिफिकली आप 2 दिन बोल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सों में फिर भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहेगी, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह। इंग्लिश में एट प्रेजेंट मानसून हैज कवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर्स, ओनली सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान इज रिमेनिंग, एंड देयर आफ्टर साउथ पंजाब एंड साउथ हरियाणा इज ओनली लेफ्ट, इट मे कवर्स ड्यूरिंग यू कैन से नेक्स्ट 2-3 डेज। And sir, what is the condition of weather condition? Yeah, that I will show you through the satellite pictures. You can see most of the country is full of clouds. At present, there is a low pressure area over northern part of MP, which has generated 2-3 days back over northwest MP. And it start moving towards west northwestward. Due to that one, monsoon trough, generally we say after when monsoon cover entire country, no, we say it's a east-west trough, is also very active. Generally, south of the east-west trough, generally heavy or very heavy rainfall generally occur, and which is occurring from last 2-3 days, and we are expecting it will continue next 2 days. If you talk about specifically, you can see a big clouds over Konkan Goa also, so we are expecting extremely heavy rainfall, more than 20 centimeter over Konkan and Goa today, and thereafter it may heavy to very heavy thereafter. Extremely heavy mean more than 20 centimeter, very heavy mean more than 12 centimeter, that will continue to occur over Konkan and Goa, even South Gujarat also we may experience extremely heavy rainfall, and it will decrease thereafter. And if you talk about the northeastern states, they are heavy to very heavy rainfall activity will continue next 5 days. And sir, what about Delhi NCR region? Yeah, if you talk NCR Delhi, so possibility there may be light to moderate rainfall today, and thereafter light rainfall will continue next 4-5 days.